मेक्स रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक्चुअली मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ वो इसकी ज़रूरत बेसिकली अभी हमें पड़ने वाली है, लिप बाम्स। यस, अभी इंडिया में या मे बी लिप बाम्स की ज़रूरत तो बेसिकली हमें हर रोज़ पड़ती है, हम रोज़ ही लिप बाम लगाते हैं। स्पेशली अभी ठंडी का मौसम आने वाला है तो हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको लिप बाम्स तो बता दिया, लेकिन कौन सी ब्रांड है, क्या उसका, कौन से शेड्स है, लिप स्वॉचेज, हैंड स्वॉचेज, सारे डिटेल्स इस वीडियो में कवर करूँगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे नाम के आगे एक सब्सक्राइब का बटन रहेगा, आप उसे हिट कर दीजिए। एज वेल एज उसके बाजू में एक नोटिफिकेशन बेल रहेगा, आप उसे भी हिट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको YouTube की ओर से उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आता रहे, और वो एब्सोल्युटली फ्री है। तो डेफिनेटली आप वो करना भूलिएगा मत, और आप चाहो तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी मेरी चैनल सब्सक्राइब करने बोल सकते हो। अगर आपको मेकअप और ये सारी चीज़ें का स्वॉचेस और देखना पसंद है तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए राइट है। राइट नाउ आगे बढ़ने से पहले, दैट इज़ कौन सा प्रोडक्ट है वो बताने से पहले, सबसे पहले मैं आपको मेरा लिपस्टिक डिटेल देना चाहूँगी, बिकॉज इसी के बारे में मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये है ब्लू हेवन की ओर से हाइपर स्टे वेटलेस लिक्विड मैट लिपस्टिक 05। ये शेड मेरे लिप्स पे है, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट की ओर। तो प्रोडक्ट थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल गया रहेगा, यह है ब्लू हेवन की ओर से। यस, ब्लू हेवन के पास ऑलरेडी एंड रेंज में आई थिंक 5 शेड पहले लिप बाम्स के थे, अभी उन्होंने जेली एंड बटर में 4 और शेड डाले हैं, जिसको आप बोल सकते हो ट्रिक एंड ट्रिकी, ऐसे कुछ उन्होंने नाम डाला है, तो ट्रिकी करके है। तो ये जो वेरिएंट्स है वो सारे अलग है, हटके इसके नाम और सब हटके है, वेरिएंट भी बहुत अलग है। तो जो 4 शेड्स हैं मेरे पास, चारों के चारों अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने चारों परचेज किए हुए हैं। मैं चारों के लिप स्वॉचेज एज वेल एज हैंड स्वॉचेज दिखाऊंगी। बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे देना चाहूंगी, ये जो प्रोडक्ट है इसमें टोटल क्वांटिटी हर एक लिप बाम में आपको 3 ग्राम की मिलेगी, 200 रुपीज़ का रिटेल करता है। इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 3 साल की है, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। की इंग्रेडिएंट्स की हम बात करेंगे, बेसिकली की इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है, ऑल फुलर डिटेल नहीं है, की इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे बैक साइड में आपको दिया हुआ है। जेली एंड बटर हाइड्रेटिंग लिप बाम विथ होबा ऑयल, शिया बटर एंड विटामिन ई, यहाँ पे इतना यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। सारे डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैकेजिंग पे दिए हुए हैं, विटामिन ई नरिशेस एंड स्मूथ्स, होबा ऑयल मॉइस्चराइजेस एंड शिया बटर प्रिवेंट्स ड्राई, सूथ्स एंड रिपेयर योर लिप्स विच इज़ रिच मॉइस्चराइजिंग लिप बाम, यहाँ पे इतनी डिटेल्स दिए हुए हैं। तो ऑल टुगेदर जैसे मैंने आपको बोला 4 शेड्स में अवेलेबल है। फर्स्ट इज़ ब्लैक मैजिक, थर्ड इज़ पर्पल सॉर्सरर, थर्ड इज़ ऑरेंज पम्पकिन एंड फोर्थ वन इज़ ग्रीन विच। ये 4 जो है आप देख सकते हो कि नाम इसके जो है वो बहुत ही हटके नाम है, तो ये लिप बाम भी थोड़े हटके है। डेफिनेटली कैसा है लिप स्वॉचेस पे हमसे पता चलेगा। बेसिक डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, 3 ग्राम का क्वांटिटी है, 200 रुपीज़ का रिटेल करता है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। अभी हम क्या करेंगे, पैकेजिंग तो मैं इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर आपने पहले के इसके लिप बाम देखे होंगे तो वैसा ही पैकेजिंग है, सेम यहाँ से आप अगर चाहो तो यहाँ से खोल सकते हो, और अगर पूरा नहीं खोलना है तो नीचे ही यहाँ पे ओपनिंग दिया हुआ है, यहाँ पे आपका लिप बाम आपको मिल जाएगा। ये बेसिक पैकेजिंग है। अभी हम बात करेंगे इनर पैकेजिंग के बारे में। तो इनर पैकेजिंग में इन्होंने सारे डिटेल्स कवर किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप ब्लू हेवन जेली एंड बटर लिखा हुआ है, उसके बाद पीछे लिखा हुआ है हाइड्रेटिंग लिप बाम विथ होबा ऑयल एंड शिया बटर, यहाँ पे वो भी दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी हम देखेंगे तो यहाँ पे इसके बुलेट पे, दैट इज़ अंदर जो पैकेजिंग रहता है यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी भी दिया हुआ है। तो अगर आपको आउटर पैकेजिंग फेंकना है, कि जो थोड़ा एक्चुअली लिप बाम के लिए थोड़ा बल्की है, तो अगर आपको फेंकना है तो आप इजीली फेंक सकते हो, और जो शेड का वेरिएंट है वो यहाँ पे स्टिकर पे दिया हुआ है। मैं जो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ वो ब्लैक मैजिक है, ये फर्स्ट शेड मैं आपको दिखा रही हूँ। आई एम नॉट श्योर कि इस पर नाम दिखेगा कि नहीं, बट यहाँ पे स्टिकर पे आपको उसका नाम दिख जाएगा, एज वेल एज नेट क्वांटिटी इसमें दिख जाती है। तो ये हुआ इनर पैकेजिंग। इनर पैकेजिंग का जो कैप है वो ट्रांसपेरेंट है, तो अगर आपके पास मेरे जैसे 4 वेरिएंट है, जैसे अभी आपने ऐसे स्टैंडिंग में रखे है, तो आपको चारों वेरिएंट यहाँ पे आप देख सकते हो, ईजिली दिख जाएंगे कि आपको कौन सा अप्लाई करना है। सो ये एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपको नेम या कुछ देखना नहीं है, ऊपर से आपको वेरिएंट दिख जाएगा। मैं टोटल आपको नेट कंटेंट दिखा देती हूँ कि एक लिप बाम में आपको कितना आएगा, एक लिप बाम में आपको नेट क्वांटिटी इतना आएगा, राइट। और आई एम नॉट श्योर ये ब्लैक कलर है, मैं आपको ग्रीन कलर का दिखाती हूँ। लिप बाम के बीच में एक हार्ट शेप दिया हुआ है, तो आई थिंक ग्रीन वाला एकदम क्लियरली दिखेगा। यस,
यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में एक हार्ट दिया हुआ है, जो आप रखेंगे वैनिटी पे या कहीं पे तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता है, तो दिखने में तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये लिपस्टिक मैं निकाल के एक एक करके आपको सारे के लिप्स वॉचेज दिखा दूंगी, एज वेल एज उसके बाद में हैंड्स वॉचेज दिखाऊंगी, एंड एट द एंड में आपको अपना फाइनल थॉट्स बताऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लिप्स वॉचेज की ओर। अपने ये चारों शेड्स के लिप्स वॉचेस एज वेल एज हैंड्स वॉचेस देख लिए हैं। अभी आप मुझे पूछोगे कि मेघना व्हाट इज योर फाइनल थॉट। मेरा फाइनल थॉट यही है कि अगर आपको एक लाइट टिंटेड लिप बाम चाहिए, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ये बहुत ही अच्छा एक लाइट टिंट अपने लिप्स पे देता है, चाहे आपके लिप्स पिगमेंटेड हो, बिकॉज मेरे लिप्स पिगमेंटेड है, बट स्टिल आपने देखा कि वो काफ़ी अच्छे से पिगमेंटेड लिप्स को भी कवर करता है और एक प्यारा सा पिंक टिंट देता है। अभी मेरा खाली एक ही पॉइंट यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपको ऐसा लिप बाम पसंद है तो मतलब आपको अच्छा लगता है तो सिलेक्ट एनी वन शेड, डोंट गो फॉर ऑल फोर शेड्स, यानी आपको चारों शेड्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाम अलग अलग है, ऑरेंज पम्पकिन, ग्रीन विच, पर्पल सॉर्सरर या फिर ब्लैक मैजिक, बट लिप्स पे एट दी एंड वो पिंक, लाइट रेडिश पिंक ही टिंट छोड़ता है। ग्रीन है तो ग्रीन टिंट छोड़ेगा, या मे बी ऑरेंज है तो ऑरेंज टिंट छोड़ेगा, नहीं, बिकॉज आपने मेरे लिप्स पे ऑलरेडी देख चुके हो, सारे ऑलमोस्ट सिमिलर देता है, कोई लिप बम थोड़ा डार्क देता है, कोई लिप बम थोड़ा लाइट देता है, वो आपको हैंड्स वॉच में समझेगा, लिप्स वॉच में तो आपको सारे ही सेम दिखेंगे। इन शॉर्ट मेरा कहने का ये मतलब है, तो कोई भी एक वेरिएंट आप ले लो। अगर आप मेरा सजेशन चाहोगे तो गो फॉर ब्लैक मैजिक, बिकॉज वो मेरे हिसाब से पीएच पे चल रहा है, तो जितना आपका बॉडी का पीएच रहेगा, पीएच लेवल के हिसाब से, आपके बॉडी के हीट के हिसाब से वो कलर पकड़ेगा, सो दैट वन इज़ द बेस्ट मेरे हिसाब से। सो मैंने एक्चुअली ये वीडियो में सारे डिटेल्स कवर करने का ट्राई किया है, लेकिन अगर आप फिर भी आपको लगता है कि मैंने कुछ कवर नहीं किया, या अगर आपको कुछ और पूछना है, नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर मेरा अपना इंस्टाग्राम का हैंडल भी यहाँ पे फ्लैश कर दूंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो सके उसको रिजॉल्व करना। एज वेल एज अगर आपके माइंड में कोई भी न्यू लॉन्च वीडियो का आइडिया है, या न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, या एनी सजेशंस न्यू लॉन्चेस के बारे में, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। और ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी एफर्ट्स को थोड़ा अप्रिशिएट करके ये वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, बिकॉज एज आई ऑलवेज ये वीडियो बनाना ऑलवेज डिफिकल्ट होता है, तो प्लीज़ ट्राई एंड अप्रिशिएट अदर्स, दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए, एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। या तो आज के लिए बस इतना ही, एंड प्लीज़ डोंट गो विदाउट लाइकिंग एज वेल एज सब्सक्राइबिंग। या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।